गुड मॉर्निंग क्लास फोर्थ एट जी आपकी एक्सरसाइज है और एट एच आपकी लास्ट एक्सरसाइज रहेगी यानी फर्स्ट अंडर कोर्स की। तो हम आपको एट जी पूरी करा दी गई है हाफ एयरली। हाँ हाफ एयरली मतलब सेकंड टर्मिनल जो आपका आ रहा है वो दिसंबर में उसकी आपकी एट एक्सरसाइज का कोर्स रहेगा यानी कि फोर आपको उस पर करा दिए थे फर्स्ट में तो फाइव से एट तक इसमें। अब इसमें एक क्वेश्चन था इफ वन डजन एग कॉस्ट 119.15 यानी कि एक दर्जन अंडे की कीमत 119.15 रुपए है तो हाउ मच विल 10 डजन ऑफ एग कॉस्ट। तो बताइए 10 दर्जन एग की कीमत क्या होगी। तो हमें क्या लिखना पड़ेगा कॉस्ट ऑफ वन डजन। अब वन डजन मीन्स 12 एग आती है यानी कि हमने आपको लिख दिया है कि एक दर्जन में 12 अंडे आएंगे तो एक दर्जन कीमत 119.15 रुपए है तो कॉस्ट ऑफ 10 डजन है तो 10 दर्जन है की कीमत कितनी होगी तो ₹119.15 × 10 तो हम इसका 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारी आ गई 1191.50 रुपए। कैसे आया ये आप अपना मल्टीप्लाई यहां पे करके शो करेंगे जीरो का किया तो जीरो का किसी नंबर पर मल्टीप्लाई करते हो तो जीरो ही आता है। अब वन का दिया 15 जा 1 1 जा 1 9 जा 1 1 जा 1 0 5 1 9 1 1 अब पॉइंट दो नंबर तो दो नंबर पॉइंट लगा दिया वाया 1191.50 रुपए। अब ऐसे ही अगला क्वेश्चन है कि 1 किलोग्राम पाइन एप्पल कॉस्ट 271.80 तो बताइए व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 4 किलोग्राम पाइन एप्पल तो 4 किलोग्राम पाइन एप्पल की कीमत क्या होगी। तो देखो लिखते हैं 7 कॉस्ट ऑफ 1 किलोग्राम पाइन एप्पल इज इक्वल टू ₹271.80 यानी कि 1 किलोग्राम पाइन एप्पल की कीमत आपके सामने आ गई। अब कहता है व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 4 किलोग्राम तो ऐसे ही कॉस्ट ऑफ 4 किलोग्राम पाइन एप्पल इज इक्वल टू ₹271.80 × 4 तो आप क्या करेंगे 271.80 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 4 0 0 4 8 जा 32 कैंडी लगी 3 4 1 जा 4 3 7 4 7 जा 28 2 4 2 जा 8 2 10 अब पॉइंट देखो ये लगा तो मीन्स हमारे पास रुपये आ गए 1087.20 तो 1087.20 रुपया हमारा आ गया सिंपल है। अब ऐसी शेयर ऑफ कैश रिवार्ड ₹592.20 इक्वली एमंग 9% यानी कि ये क्वेश्चन नंबर बिल्कुल 5 की तरह से ही है जिसमें एक गिफ्ट दिया गया था रात का वो 7 दोस्तों के द्वारा तो एक एक का शेयर पूछा था। इसमें भी वही चीज है जो कैश रिवार्ड है हमारा ₹592.20 का ये 9 लोगों के द्वारा दिया गया तो बताओ एक एक व्यक्ति को कितना रुपया पड़ा हिस्से में।
कैश रिवार्ड हमारे पास है 592 रुपए 20 पैसे का, यानी ये उपहार दिया है। तो नंबर ऑफ पर्सन कितने हमारे पास, नंबर ऑफ पर्सन इज इक्वल 9। तो अब एक व्यक्ति को कितना कितना रुपए मिला, तो वन पर्सन गेट अमाउंट, तो हम क्या करेंगे 592 में और 20 पैसे में डिवाइड कर देंगे 9 का। तो जब 9 में डिवाइड करेंगे तो कैसे, देखो अब 9 का टेबल पढ़ते हैं, पहला नंबर हमारे पास 5 है, नहीं क्रॉस करेगा, आगे देखते हैं तो 59। अब 9 की टेबल पढ़े 59 से जाकर 9, तो 9 5 चार 45, 9 6 चार 54, 9 7 जा 63। तो अब देखो 63 हमारे 59 से जाकर हो रहे हैं, तो 9 6 चार का हमने टेबल पढ़ ली, तो 9 6 चार 54। अब माइनस कर दो, 9 में से 4 माइनस किया 5, अब 2 आ गया हमारे पास। अब 9 की टेबल ऐसी पढ़े 52 से अधिक ना हो, तो अभी हमने 9 6 चार 54 पढ़ा था, अभी 54 से कम है, तो 9 5 जा चलेंगे, तो 45 माइनस किया तो 7 आया, अभी पॉइंट है, पॉइंट लगा दिया, अब आगे का 2 आ गया, 9 8 जा 72, और ये 0 आया तो 9 0 जा 0। तो मींस हमारे पास आ गया एक व्यक्ति को 65 रुपए 80 पैसे पड़े, यानी 65 रुपीज 80 पैसे एक व्यक्ति को हिस्से में पड़ता है। तो 8 जी आपकी खत्म हो गई है, अब बाकी है कल 8H आपको पढ़ा देंगे, इसको आप देखना, और बीच में थोड़ा सा कुछ रह गया ऐसा, जैसे आपने टर्मिनल एग्जाम दिया था उसके बाद में थोड़े से कुछ आपको क्वेश्चन नहीं आए समझ में, वो हम करा रहे हैं।